हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर अटवाल। मैं बहुत टाइम के बाद एक वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे पास है दो पार्सल, एक मंगाया मैंने मिंत्रा से और दूसरा मंगाया मैंने फ्लिपकार्ट से। तो पहले चेक करते हैं इन दोनों बॉक्सेस में आया क्या है। सबसे पहले खोलेंगे फ्लिपकार्ट। अब दूसरा कोरियर खोलते हैं जो कि आया मिंत्रा से। गाइस, आपने गेस कर ही लिया होगा इन बॉक्सेस में क्या है। अगर कर लिया तो वीडियो करो पॉज और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से जल्दी। चलो बॉक्स करते हैं ओपन और चेक करते हैं इसमें क्या आया है। आइए, तो वैसे आपको लग रहा होगा मैंने अलग अलग वेबसाइट से सेम प्रोडक्ट क्यों मंगाए हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, वो है ये है कंपैरिजन वीडियो। जी हाँ, एक प्रोडक्ट मैंने दो अलग अलग वेबसाइट से मंगाए हैं और इनकी क्वालिटी का मैं करूंगा क्वालिटी चेक। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये है फ्लिपकार्ट से, क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है इन जूतों की, कोई दिक्कत तो है नहीं। आप खुद देख सकते हैं वीडियो में, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वालिटी मेरे को फ्लिपकार्ट की अच्छी लग रही है। और सबसे अच्छी चीज, ये मेरी फेवरेट ब्रांड के जूते हैं 18। अब चेक करते हैं मिंत्रा वाले, ये शूज आए हैं मिंत्रा से। इसकी क्वालिटी में भी मुझे कुछ ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। जैसा फ्लिपकार्ट से आया है वैसा ही सेम मिंत्रा से आए हैं और क्वालिटी इज मोर और लेस सेम। सो अभी हमने किया है प्रोडक्ट्स का क्यूसी, मतलब क्वालिटी चेक। एक क्लोजर लुक आप भी देखिए और बताइए क्या आपको कोई डिफरेंस दिखता है इन जूतों में। दोनों के दोनों मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सेम है, क्वालिटी भी मोर और लेस बिल्कुल सेम है और मुझे कोई ज्यादा फर्क तो इसमें दिखा नहीं है। बाकी एक बार आप भी देखिए, पहचानिए कि कोई फर्क है कि नहीं इन जूतों में। हाँ, आप इसको छोड़ दीजिएगा, इसका ही फर्क आ रहा है जो जो मुझे दिख रहा है। तो ये शूज हैं फ्रॉम मिंत्रा और ये वाला पेयर आया है फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो गाइस, सबसे पहले एक चीज बता दूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरी फेवरेट ब्रांड है और इस जूतों को मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा लेने की एंड फाइनली मैंने परचेज कर लिए हैं। तो अब आते हैं इसके प्राइस पे। जैसा कि आपने पहले चेक किया होगा, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, दोनों की क्वालिटी बेट मिंत्रा और बेट फ्लिपकार्ट दोनों की दोनों सेम है। बट हाँ, अब बात करते हैं प्राइस की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इशू है। ये आया है फ्लिपकार्ट की तरफ से, इसमें जो प्राइस दे रखा है वो इन शूज का 4999 एंड ये बॉक्स है मिंत्रा का, प्राइस दे रखा है अगेन 4999। बट जो मैंने मिंत्रा से शूज मंगाए इनका प्राइस था 3900। जी हाँ, 5000 ओरिजिनल प्राइस है बट मिंत्रा में मिल रहे हैं 3900 के। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट की, एक बार गैस कीजिएगा कितने के मंगाए होंगे। नहीं कर पा रहे, मैं आपको बताता हूँ। फ्लिपकार्ट से जो शूज मंगाए मैंने, ये मंगाए सिर्फ 1900 के। 2000 रुपए बचाए मैंने अपने। ये तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वालिटी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, प्राइस में इतना बड़ा डिफरेंस, क्योंकि क्वालिटी में कोई डिफरेंस है ही नहीं। आप अपनी नेकेड साइज से फर्क बता ही नहीं सकते कि कौन सा पेयर मिंत्रा का है और कौन सा पेयर फ्लिपकार्ट का है। बट अगेन, जब बात पैसों की आती है तो कॉमन सेंस बनती है, अपन सस्ता वाला रखेगा ना। शाबाश। तो गाइस, फ्लिपकार्ट वालों को मैं अपने पास रखूंगा और मिंत्रा वालों को करूंगा मैं रिटर्न। तो अगर आपको भी ये शूज पसंद आए, आपको भी इनका इसका इन प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन बताइए, क्योंकि ये प्रोडक्ट कभी भी महंगे हो सकते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो चाहे वो मिंत्रा हो। तो अगर आपको भी ये शूज पसंद आए हो तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिंक के लिए जरूर बताइए। अगर आपको और भी ऐसे प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड घंटी के आइकन को दबाना मत भूलिएगा।
तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नए मसालेदार कंटेंट के साथ। तब तक कीप वॉचिंग मिस्टर हटवाल। घंटी दबा देना, देख रहा हूँ मैं।